दिल्ली स्थित एम्स में सोमवार से कोरोना के इलाज के लिए कोवैक्सीन का मानव ट्रायल शुरू किया गया। एम्स की एथिक्स कमेटी ने इसके इजाजत दी है। कोवैक्सीन के मानव पर पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की तरफ से दिल्ली के एम्स समेत 12 इंस्टीट्यूट को चुना गया है। इस वैक्सीन का ट्रायल जो है 375 लोगों पर किया जाना है, जिनमें 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर ट्रायल जो है एम्स में होना है। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो है वो फेज़ वन में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे और फेज़ टू में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज़ वन में ये वैक्सीन जो है ये सेफ है, तब फेज़ टू में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 साल तक। ये फेज़ टू स्टडी है और इसमें वैक्सीन के तीन फॉर्मुलेशन ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके तीन सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज़ में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं कि कितना डोज देना चाहिए जिससे वैक्सीन की एफिकेसी होगी।